लखीमपुर विधानसभा से बीएसपी प्रत्याशी जुनैद पहलवान ने भरा पर्चा। 2017 का विधानसभा चुनाव जुनैद पहलवान लड़े थे पीस पार्टी से। मोदी योगी के तूफान में जुनैद पहलवान को मिले थे 18,334 वोट। लखीमपुर विधानसभा से बीएसपी प्रत्याशी जुनैद पहलवान ने भरा पर्चा। आचार संहिता के नियमानुसार और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कराया नामांकन। 2017 का विधानसभा चुनाव जुनैद पहलवान लड़े थे पीस पार्टी से। मोदी योगी के तूफान में जुनैद पहलवान को मिले थे 18,334 वोट। जुनैद पहलवान के मैदान में आने से भोगनीपुर विधानसभा के समीकरण बिगड़े। न्यूज उत्तर प्रदेश समाचार चैनल से विजय शंकर कौशल की खास रिपोर्ट। ये आज जो आपने नामांकन किया है, आपके प्रमुख चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? सबसे पहले तो अपने माननीय बहन जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत हम जैसे कमजोर छोटे आदमी को उन्होंने आशीर्वाद दिया, विश्वास जताया। और सेकंड नंबर पे हमारे परिपक्वता क्षेत्र में शिक्षा का उच्चतर स्तर हो, जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ें वहीं रईस के बच्चे पढ़ें। और दूसरा सेकंड नंबर पे जो रोजगार है, हमारे लोग जाके बाहर दिल्ली मुंबई गुजरात काम करते हैं, जो हम चाहेंगे हमारी सरकार माननीय बहन जी की पांचवी बार सरकार बने। और उसके बाद हम माननीय बहन जी से अपना अनुरोध करेंगे हमारे क्षेत्र में फैक्ट्रियां वगैरह इतना रोजगार हो जाए, हमारे क्षेत्र से लोग बाहर काम करने न जाए, यहीं काम करें और यहीं रहें। अभी कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों को भूखे प्यासे चले आ रहे हैं, चार चार हजार किलोमीटर से 3,000 किलोमीटर से लोग पैदल आ गए, अपने हैदराबाद से बिहार चले गए, गुजरात से बिहार चले गए लोग। तो जी लोग पैदल ना चले, लोग अपने क्षेत्र में ही काम करें। आप अपने क्षेत्र वासियों के लिए मुख्य काम क्या करना चाहते हैं? ये तो हो गया पूरे यूपी के लिए, आप अपने क्षेत्र से क्या करना? हम क्षेत्र वासियों के साथ बस 24 घंटे उपलब्ध रहना चाहते हैं। हम उनके साथ, जो हमारे साथ, सबको बराबर समानता, बराबर व्यवहार, बराबर काम। हम तो ऐसे लोग 100% भरोसा रखते हैं, उसे लोग हमारे ऊपर भरोसा रखते हैं। जनता को भरोसा है, जनता जरूर हमें जिताएगी और विधानसभा भेजेगी।